हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है कपिल मिश्रा। बीजेपी का पूरा डेलीगेशन एसीबी ऑफिस पहुंचा है दस्तावेज सबमिट करने के लिए स्कूल घोटाले को लेकर के। क्या दस्तावेज आप सब लोगों ने दिए? देखिए, ये शिक्षा का कॉमनवेल्थ घोटाला, ये इसको कहना चाहिए, ये उससे छोटा घोटाला नहीं है। एक एक कमरा जो कि 1.5 लाख या 2 लाख रुपए में जिसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसको 33 लाख रुपए, 55 लाख रुपए और 67 लाख रुपए उसका पेमेंट किया गया है। बिना टेंडर इनवाइट किए लोगों को ये काम दिया गया है। बीच काम में होते होते उस काम का पूरा नेचर चेंज कर दिया गया है। CWC की रिपोर्ट ये कहती है कि महंगा बनाया गया, मार्केट से कई गुना ज़्यादा दामों पर बनाया गया, नियमों का उल्लंघन करके ठेके दिए गए और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा खराब है। ये CWCVC की रिपोर्ट अपने आप खुद बोल रही है। उसके ऊपर हम लोगों ने अपने बयान भी यहाँ पर दर्ज कराए हैं और मुझे लगता है कि बच्चों के नाम पर इस प्रकार का पाप ये नहीं करना चाहिए था। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी गुजरात में आम आदमी पार्टी से पूरी तरीके से डर चुकी है, इसीलिए इस तरीके की चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। शिक्षा का मॉडल दिल्ली में सबसे बेहतर मॉडल। देखिए, दिल्ली में शिक्षा का कौन सा मॉडल है हम यही पूछना चाहते हैं। 10वीं का रिजल्ट जो कि 2012 में 99% होता था, वो 2022 आते आते 81% हो गया। ये शिक्षा का मॉडल है क्या? दिल्ली के आधे स्कूलों में आज साइंस के टीचर नहीं है, ये शिक्षा का मॉडल है क्या? 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, ये शिक्षा का मॉडल है क्या? शिक्षा के मॉडल पर भी बात कर लेंगे, लेकिन आज बात यह है कि कौन सा कमरा 33 लाख रुपए में बनता है? कच्चा कमरा, पटरी लगाया हुआ कमरा 33 लाख रुपए का, 55 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का। गुजरात की बात करने नहीं आए हम, दिल्ली के बच्चों की बात करने आए हैं और उनकी बात ये है कि आपने इन बच्चों के नाम पर स्कैम किया है, करप्शन किया है, शिक्षा का कॉमनवेल्थ घोटाला किया है।